हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कांता मंगवानी। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सिक्स सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 10, स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। और ये इस चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन है। होप कि आपको पिछले सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप यहाँ जाके आई बटन दिया है, वहाँ सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और एक्चुअली ये तो जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो फर्स्ट सेम के हैं, सेकेंड सेम के भी आ जाएंगे। वेट एंड वॉच। ओके, और आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो जो बेल आइकन होती है उसे भी आप प्रेस कर दो। तो स्टार्ट करें। विच आर द मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ? तो उसमें है, फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर, और थर्ड है एटमोस्फीयर, और फोर्थ है बायोस्फीयर। और सेकेंड है, वॉट इज मीन्ड बाय लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर क्या है? तो जो अपर लेयर होती है अर्थ की, जहाँ सॉइल है, सॉलिड मैटर है, जिसको जिसपे हम रहते हैं। लिथो का मतलब ही होता है कि जो अपर लेयर, जो क्रस्ट होती है जिसपे हम रह रहे हैं, वही लिथोस्फीयर होता है। आया समझ में? नाउ थर्ड आ रहा है क्वेश्चन, वॉट इज हाइड्रोस्फीयर मेड ऑफ? तो हाइड्रोस्फीयर, अगर हाइड्रो वर्ड यूज़ किया गया है तो समझ लेना कि वो पानी के लिए यूज़ किया गया है। तो जितना भी हमारा एरिया अर्थ का जो है सराउंडिंग वाटर है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे ओशियंस है, सीज है, बेज है, गल्फ्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लाइक। आया समझ में? तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द मेन गैसेज ऑफ एटमोसफियर? तो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर द मेन गैसेज ऑफ एटमोसफियर। आगे देख लेते हैं, हु इज इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर? बायोस्फीयर में किसका समावेश होता है, कौन कौन होते हैं तब बायोस्फीयर बनता है? तो उसमें ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, प्लांट्स जो आप ट्रीज वगैरह देखते हो बाहर जाके, है ना, एनिमल्स हैं, सारे जानवर आ गए, तो सारे क्या हैं? बायोस्फीयर कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन टू, फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें फर्स्ट का आंसर है, लैंड और सॉइल दोनों लिख सकते हैं। और सेकंड है, जो क्रस्ट से जो एटमॉस्फेयर है वो कितना कितना दूर है? तो उसका आंसर है 800 to 1000 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा गैस जो है एनवायरनमेंट में कौन सी है? तो आंसर है नाइट्रोजन। आगे देख लेते हैं। अब है नेक्स्ट जो आपका आ रहा है क्वेश्चन थ्री, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जिसमें फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है, थर्ड का भी ट्रू है, और फोर्थ का ट्रू, देन फिफ्थ का भी ट्रू। तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लासेस में समझा दिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन फोर, राइट ए शॉर्ट नोट। अब उसमें फर्स्ट आ रहा है एटमॉस्फेयर। अगर आप ये दो पिक्चर देखें तो आप यहाँ देखोगे जो ब्लू कलर का नाइट्रोजन है वो 78.03% है, ऑक्सीजन 20.99 है, बाकी के जो गैसेज है छोटे थोड़े 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 हैं। और ये जो है लेयर अपर लेयर तक जाती है अर्थ से, तो इसका बाइफरकेशन दिया हुआ है, पहले 20 किलोमीटर, फिर 110, देन उसके बाद। तो यहाँ मैंने जो सारा आंसर है लिस्ट आउट कर दिया है पॉइंट वाइज, आप पूरा आंसर इसमें लिख सकते हैं अगर ये आपको 4 मार्क्स में पूछा जाए तो। तो ये हटा दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, राइट। तो ये पूरा, ये पिक्चर भी आपके बुक में ही से ही कॉपी करी हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट का हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मैंने पहले भी बताया, हाइड्रो मतलब पानी, तो काय के लिए यूज़ होता है? पानी पीने के लिए यूज़ होता है। ओशियन मॉइस्चर देते हैं ताकि जब समुंदर के पानी की सतह गर्म होती है तो वो बादल बन के बरसात करते हैं। केमिकल्स बहुत सारे, मैगनीज, आयरन, टिन, मिनरल्स, ऑयल बहुत सारे हमको मिलते हैं, है ना। तो हाइड्रोस्फीयर इसी तरह भी काम करता है। और
प्रोटीन रिच फूड, सी फूड खाने से प्रोटीन हाई लेवल का मिलता है जो खाते होंगे, सॉल्ट बनाया जाता है, ये सबसे वो इम्पोर्टेंट है। हमारे कच्छ में जो है, अगर हम कच्छ की और बाहर की तरफ निकलते हैं किसी स्टेट की तरफ, तो हर जगह सॉल्ट के क्यारे मिलते हैं, पूरा टाइम लोग सॉल्ट ही बनाते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है टाइड से, करंटों से और वेव से, देन वाटरवेज के लिए यूज़ होता है। आया समझ में? पानी के जहाज़ चलते हैं, हमारे यहाँ ही कंडला पोर्ट है 32 किलोमीटर दूर, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, इंडिया का नंबर वन पोर्ट है। आगे देख लेते हैं, अब आ रहा है राइट ए शॉर्ट नोट का थर्ड पॉइंट, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फियर। ये लिथोस्फियर क्यों ज़रूरी है? तो सीधी बात है, लोगों को रहने के लिए, ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए, मटेरियल बिल्ड करने के लिए, घर बनाने के लिए, वहाँ से हमको पानी भी मिलेगा, क्रॉप्स भी उगेंगे, इंडस्ट्रीज होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर पाएंगे, और प्लांट्स और एनिमल जी सकेंगे, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, एनिमल्स लाइक होंगे। और ये सारे कहाँ मिलते हैं? हमको लिथोस्फियर में मिलते हैं, मिनरल भी मिलते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज के लिए लाइक। देन ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस जो है वो लिथोस्फियर पे ही डिपेंड है। आया समझ में? तो इसलिए लिथोस्फियर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 10 स्फीयर्स ऑफ अर्थ के सॉल्यूशन ओवर हुए। होप कि आपको पिछले सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ वहाँ आई बटन स्टार्ट में दिया हुआ है, उधर से आप मेरे वीडियोस वापस से देख सकते हैं, सॉल्यूशन ही दिए हुए, और ये आपका डेटा भी ज़्यादा खाएगा नहीं। समझ में आया ना? 5-6 मिनट के मेरे वीडियोस होते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो बेल आइकन होती है उसे भी आप प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।